स्टार्ट। यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक कोशिश है कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई जाए, और पहचान वो भी कि उत्तर प्रदेश को प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया जाए। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी। महाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेट से बातचीत करने के लिए। पहले तो आपको बधाई कि आपका इतना प्रयास और पूरी टीम, पूरी सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रही है। मैं तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि तैयारियाँ किस स्तर पर हैं और क्या उम्मीद की जाएगी, 21-22 को एक नया इतिहास लिखा जाएगा लखनऊ में। देखिए, 21 और 22 फरवरी उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पहला कदम है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं कि 21 और 22 तारीख को जो हम इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रहे हैं, तो 21 और 22 तारीख को वो दैट विल द फाइनल शो, दैट विल द फर्स्ट शो ऑफ उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके लिए हम लोगों ने तैयारी जो किया, जो रोड शोज किए हैं, रोड शोज हमने देश के हर कोने में किए हैं, कई स्टेट्स में और कई सिटीज़ में। तो हम ऐसे गए बेंगलुरु, हैदराबाद, कलकत्ता, यहाँ पर लोगों ने कहा कि यूपी से कोई पहली बार हमसे बात करने के लिए आया है। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि यूपी वाले भी इन्वेस्टमेंट के ढूंढने के लिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर इस समय हम इन्वेस्टमेंट को ढूंढने के लिए जाएंगे, इन्वेस्टर्स से बातचीत करेंगे, इंडस्ट्रीज से बातचीत करेंगे, इंडस्ट्रीज की समस्या सुनेंगे, उनका कंसर्न सुनेंगे, उनके कंसर्न के ऊपर रिएक्ट करेंगे, उसकी समस्या का समाधान ढूंढेंगे, तभी कोई इंडस्ट्रीज आएगा ना। हमने बहुत मेहनत करी है इसे पिछले 7-8 महीनों के अंतर्गत, और जिस समय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि हमको इन्वेस्टर समिट करनी है, तो हमने बल्कि मैंने ही उनसे बोला, मैंने मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने के लिए हम थोड़ा सा और टाइम चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व भर में घूमने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा नहीं, हम अभी करेंगे, 21 और 22 तारीख को करेंगे। और 21 और 22 तारीख को पहले मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी, पहले हमारे देश के इंडस्ट्रीज तो आए हमारे पास, क्योंकि यही हमारे असली एम्बेसडर्स हैं जो दुनिया में संदेश भेजेंगे। जिस समय ये हमारे पास आएंगे और ये जाके पूरे, क्योंकि उस लेवल के इंडस्ट्रीज होंगे, जिस समय ये विदेशों में बात करेंगे तो लोगों को कहेंगे नहीं, हम यूपी वन ऑफ द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के, आप यहाँ पर आइए, तब लोग आएंगे। अभी हम ये इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, हम अगले साल किसी समय ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट भी प्लान करेंगे, जिसमें पूरी दुनिया भर के जो ऐसे देश हैं जो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में इन्वेस्टर के साथ, अभी मैं एक देश के उसके साथ बात कर रहा था, उनके एम्बेसडर के साथ, तो उन्होंने कहा कि व्हेन वी यूज्ड टू कम टू इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी यूज्ड टू गो टू फ्यू ऑफ द सिटीज, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जो शहर उद्योग के नाते से आगे हैं देश भर में, वहाँ उन्होंने कहा वी नेवर हैड थॉट अबाउट यूपी, यूपी के बारे में कभी सुना ही नहीं था, तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने कहा पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि हम यूपी में आएंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट इंसेंटिव्स, सो फर्स्ट कम when we talk about investment, first come incentives, and UP government has framed new policies and made amendments in the new policy. क्या लगता है कि incentives ही entrepreneurs को attract कर रहे हैं, जो इतनी भारी संख्या में अलग अलग जगह 6 roadshow के जरिए जो response मिल रहा है? Incentives is a part, incentives सब कुछ नहीं है। जिस समय अगर कोई industries यहाँ पर आएगा, उसकी हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, incentives जितने मर्जी दें वो आने के लिए तैयार नहीं होंगे। जिस समय हम उनको 24/7 हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आने के लिए तैयार नहीं है। जिस समय वो लाल फीता शाही के अंतर्गत फंस जाएंगे, उनका काम ही नहीं होगा, उनको सैंक्शन नहीं मिलेंगे, तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे। हमने इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गए हैं, हमने सिंगल विंडो सिस्टम के ईजाद कर लिए, हमने सारे इस प्रकार की जो सुविधाएँ जो इंडस्ट्रीज चाहता है, इंसेंटिव भी एक पार्ट है। सिर्फ इंसेंटिव है इसलिए मैं नहीं कह सकता कि इंडस्ट्रीज आएंगे, इंसेंटिव के अलावा बहुत सारे उनका सम्मान भी तो होना चाहिए। हमने उनको ये कहा कि हम आपके साथ समन्वय करेंगे, हम आपको साधन देंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपकी समृद्धि की कामना करेंगे। ये सारी सारी बातें हमने उनसे की, ये सारे जिसमें फैक्टर मिलते हैं तब इंडस्ट्री लगती है। 11 सेक्टर गवर्नमेंट के फोकस में है, जिनको लेकर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की तैयारी चल रही है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट समिट की बात करूँ, तो किस किस तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं? चूंकि मैंने पढ़ा कि कई देशों के साथ भी पार्टनरशिप हुई है, उनके एम्बेसडर्स भी आ रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, मैंने रतन टाटा, मुकेश अंबानी ऐसे लोगों ने भी इंटरेस्ट शो किया, तो एक जो ओवरऑल गैदरिंग है वो उसमें किस किस तरह के लोग शामिल हो रहे हैं? देश के हर बड़े इंडस्ट्रीज को हमने प्रयास किया। यहाँ मैं ये भी बात कह देना चाहता हूँ कि सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज से प्रदेश प्रगति नहीं करेगा, छोटी इंडस्ट्रीज का उतना ही महत्व है, दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करती हैं। जहाँ बड़ी इंडस्ट्री आएंगी वहाँ छोटी इंसिलरी यूनिट्स रहेंगी, जहाँ पर छोटी इंडस्ट्री आएगी वहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री, सबको एक दूसरे को वहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखे हर सेक्टर से लोग हमारे पास आएंगे। हमारे पास रोजगार की आपने बात की, तो एक सवाल काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम यूपी की बात करें, तो यूपी इज़ द 5th लार्जेस्ट नेशन, और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है।
इस इन्वेस्टर समिट के बाद आपको लगता है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा? स्वाभाविक है, जिस समय इंडस्ट्री आएगी तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा। जब इंडस्ट्री नहीं होगी, जैसे कोई आदमी कहता है कि हमारे को कोई नौकरी दिलवा लो, हमारा ही कार्यकर्ता बोलता है, हम कहते हैं कहाँ दिलवाए हैं, इंडस्ट्री नहीं है, ऑफिस नहीं है, कॉरपोरेट ऑफिस नहीं है, बिजनेस नहीं है। तो इस नाते से यूपी बहुत पिछड़ा हुआ है और उस पिछड़ेपन को दूर करने का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टू एम्पावर इंडिया यूपी हैज़ टू बी एम्पावर्ड। उत्तर प्रदेश को जब तक एम्पावर नहीं करेंगे तब तक देश, तो जिस समय ये सोच उस सबसे उच्चतम लेवल से चलती है, प्रधानमंत्री जी की सोच के आधार पर चलती है, जैसे कहा जाता है जब गंगोत्री से पवित्र गंगा निकलती है तभी पवित्रता होगी, जैसे उनकी सोच और उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। और वो मुख्यमंत्री जी की उस इच्छा को, प्रधानमंत्री जी के उस सुंदर स्वरूप को जो देश को प्रगति के पथ पर ले जाएगा, उसको एक सिपाही होने के नाते से हमने जिम्मेवारी ली है और हम पूरे देश में इंडस्ट्री से संपर्क में हैं, उनसे संबंध भी बना रहे हैं इंडस्ट्री के हित में, और हम उनके साथ उत्तर प्रदेश में एक नया इंडस्ट्रियल एरा को स्टार्ट करने का हमारा प्रयास है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो लोगों के दिमाग में जो पहली चीज़ आती है या तो नोएडा होगा, ग्रेटर नोएडा होगा या यूपी के कुछ चुने हुए चिन्हित स्थान होंगे, जो ये इन्वेस्टर समिट है इसको लेकर आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या लग रहा है? देखिए जी, अब हमारे पास हमने जो इंसेंटिव्स दिए हैं वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा से अधिक वहाँ पर भी दिए हैं, उनसे अधिक हमने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के एरिया के लिए दिए हैं। हमने बुंदेलखंड और पूर्वांचल में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो जितना उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, स्टेट्स का जीएसटी शेयर होगा वो हम उनको रिम्बर्स करेंगे 15 वर्षों तक, और उसकी लिमिट 300% ऑफ द टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 100 रुपया लगाया तो जो उसका एसजीएसटी का होगा रिफंड वो 300 रुपये तक, उसने 100 रुपया लगाया तो उसको मैं उसी में बता रहा हूँ, तो 300% हम उसको रिम्बर्स करेंगे। और बहुत सारी सुविधाएं हमने इन क्षेत्रों के अंतर्गत इंडस्ट्री लगाने वालों को ऑफर करी हैं, इन क्षेत्रों में भी इंडस्ट्री बड़ी संख्या में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर सतीश महाना, और हम आपको बधाई भी देना चाहेंगे और आपको शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे कि यूपी इन्वेस्टर समिट का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है वो साकार हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आए। अर्पित गुप्ता, elets के लिए। थैंक यू सर।